जिले में छोटी मोहन टॉकीज इलाके में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के अंतर्गत प्रशासन का बुलडोजर रविवार सुबह से पहुंचा और बड़े बड़े मकानों को जमी जोत किया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को प्रशासन ने अवैध कब्जे से आजाद कराते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध करके जमकर आक्रोश जताकर बताया कि लोगों के पास रजिस्ट्री नामांतरण के पुख्ता सबूत मौजूद हैं, उसके बावजूद मकान दुकानों को तोड़ा है। वहीं प्रशासन ने बताया कि संबंधितों को पूर्व में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था और इसी क्रम में मुहिम के माध्यम से अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा तानाशाही पूर्वक कार्रवाई की गई, ना तो इन लोगों को समय दिया गया, ये खुद आज सवेरे से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे थे। बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई को दिखाने के लिए, एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए प्रशासन ने, वो लोग अपनी स्वेच्छा से हटा रहे थे और समय मांग रहे थे और आज उन्होंने हटाना शुरू भी कर दिया था। बाकी प्रशासन ने अपनी तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करते हुए बगैर मार्किंग के, बगैर जगह बताए, आज केवल जेसीबी और पुलिस हमला लाकर इन गरीबों को उजाड़ा है। नहीं, इनको परसों के दिन कल एक नोटिस दिया गया और आज संडे के दिन ये नोटिस भी काफी है इन लोगों की और ये लोग स्वेच्छा से हटा रहे थे। अच्छा, ना तो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, इनके द्वारा भूमि खरीदी गई है जिसकी 15-15, 20-20 साल पहले रजिस्ट्री हुई है, नामांतरण है, जलकर सब है इनके पास। अब ये प्रशासन कह रहा है कि ये सरकारी नजूल की भूमि है, तो इन लोगों की भूमि कहाँ है ये प्रशासन बता दे इनको। ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये जमीन के मालिक है। बाकी गवर्नमेंट का कहना है कि ये सरकारी भूमि, ये नजूल की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की कार्रवाई थी। पिछले एक महीने से हम लोग इस पर नज़र लगाए हुए थे और राजस्व विभाग में तहसीलदार साहब ने इस पर पूरी सुनवाई करके जितना हिस्सा अतिक्रमण का था उनको नोटिस जारी कर विधिवत रूप से बताया गया था कि अपना अतिक्रमण हटा लें और उसके फलस्वरूप आज ये कार्रवाई की गई है। देखिए, ये चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया है, उस तरफ से लेके इस रोड के कॉर्नर तक का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन है, पक्के मकान है, तो इसमें काफ़ी सारी जेसीबी पोकलैंड मशीन आई है। चूँकि ये मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है और यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा विवाद होता रहता है, अतिरिक्त बल बुलवाया गया है पूरे जिले से, करीब 250 लोगों का फोर्स लगाया हुआ है। ये छोटा मोटा विरोध जो कर रहे थे उनको लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। कितने करोड़ की जमीन जो ये उसका अनुमान तो तहसीलदार साहब बताएंगे, फिर भी 4 से 5 करोड़ के आसपास का है मेरा अनुमान। हमको जिले में बड़ी कार्रवाई, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित थी ये कार्रवाई की और प्रशासन ने इस पर पहल की, सहयोग सभी का रहा, नगर पालिका का, पुलिस का और राजस्व विभाग द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई। कितने मकान चले थे सर? 5 करीब 5 मकान हैं जो जिन पर कार्रवाई हो रही, काफ़ी बड़े हैं, कुछ कमर्शियल हैं, दुकानें भी हैं। ये शासन के निर्देश पे निरंतर अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, उसी संदर्भ में इसको भी देखा जाना चाहिए कि हमारी नजूल की जमीन थी, करीब ये करोड़ों रुपये की जमीन है और जिसपे पक्की दुकानें बनी थी, लगभग 12 तो कमर्शियल दुकानें थी और 5 तो रिहायशी वो भवन बने हुए थे और एक बड़ा स्क्रैप का गोडाउन भी था। और हमने जो इसका मार्केट रेट देखा है वो 4,46,00,000 रुपए का है और आज इसमें हम लोगों ने समेकित कार्रवाई की, पुलिस भी शामिल है, नगर पालिका भी शामिल है, पूरा राजस्व का अमला भी शामिल है और शांति व्यवस्था तरीके से ये पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, कितने लागत की दुकान है ये? अभी तक तो वही 4.5 से 5 करोड़ के बीच में लागत बताई जा रही है इसकी गाइडलाइन के हिसाब से। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।